चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की और जो रुझान सामने आने लगे हैं, पहले रुझान में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को 232 और कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। आपको बता दें कि कमला ने तेजी से घटा दिया है सीटों का अंतर, लेकिन 7 स्विंग स्टेट्स के पास व्हाइट हाउस की चाबी है। आखिर कौन होगा व्हाइट हाउस का मालिक, किसे मिलेगी चाबी? ये बहुत दिलचस्प मोड़ अब शुरू होने लगा है रुझानों के जरिए, लेकिन ट्रंप और कमला को 1-1 में जीत हासिल हो गई। बाकी राज्यों में ट्रंप की बढ़त नजर आ रही है। 50 में से 38 राज्यों के नतीजे अभी तक आ चुके हैं। न्यू मैक्सिको में कमला हैरिस की जीत हुई है। इसके अलावा कैलिफोर्निया का आंकड़ा भी यही कहता है कि कमला हैरिस जीत गई है, लेकिन इन रुझानों में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। देखा जाए तो फिर चाहे इलेक्टोरल वोट्स की बात करें, स्विंग स्टेट्स की बात करें या फिर पॉपुलर वोट्स की बात करें, इन्हीं के आसपास ही घूमता है पूरा चुनाव। और उसके बाद अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है। आखिर कौन होगा मालिक व्हाइट हाउस का, ये बहुत जल्द साफ होगा। लेकिन हमारे स्पेशल फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए अमेरिका से सीधा रुख उनका करेंगे। अविनाश जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो अभी करंट अपडेट बताइएगा, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? पूनम जी, मुकाबला जैसा आपने बताया बहुत रोचक हो रहा है। पहली लीड डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी तो वो काफी तेजी से आगे बढ़े और कमला हैरिस ने वो लीड काफी कंटेन कर ली है। अभी जो यहाँ पे मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ वो भी उन्हीं नंबर के इर्द गिर्द जो आपने कहे, 230 के करीब डोनाल्ड ट्रंप है और 210 पे कमला हैरिस। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि जब तक ये आंकड़े 233 ट्रंप और 232 कमला हैरिस दिखा रहे हैं तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है। ये वो राज्य हैं जिनका वोट तय है अमूमन कि किस तरफ जाएगा। जैसे आज पहले हमने बात करी वर्जीनिया काफी क्लोज दिख रहा था, लेकिन अब वर्जीनिया जो है वो कमला हैरिस जीत गई है। तो मुकाबला रोचक है जब तक ये आंकड़ा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 233 ट्रंप और 232 कमला हैरिस, ये बिल्कुल सामान्य नंबर होगा। यहां तक कोई भी वो उत्तेजना वाला विषय नहीं है। उसके बाद जो 93 वोट बचते हैं उनमें पेच फंसा हुआ है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये CNN ने ब्रेक किया है कि नॉर्थ कैरोलिना की 16 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और वो जीत उनकी मानी जा रही है। तो 7 जो स्विंग स्टेट है उसमें से एक का परिणाम आया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप विजयी बताए जा रहे हैं। उसके अलावा 5 में वो आगे चल रहे हैं और नेवाडा की काउंटिंग जस्ट शुरू हुई है। तो ये अभी की स्थिति बनी पड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण सीट राज्य जो है वो अपने खाते में कर लिया है। ठीक है अविनाश जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी तो रुझान आना शुरू हुए हैं तो जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक हमारे भारत में जब चुनाव होते हैं तब हम कहते हैं कि मैजिक आंकड़ा, क्या वो मैजिक आंकड़ा वहां पर भी नजर आ सकता है और उसे छूने के लिए क्या कमला हैरिस आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि वो जो अंतर है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, तो क्या मैजिक आंकड़े को कौन पार कर पाएगा, क्या लगता है अविनाश जी? देखिए मैजिक आंकड़ा यहाँ पे पूनम जी है 270 जी, और जो 7 राज्य की जिनमें हम बात कर रहे थे, जो नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जीता है या उनकी तरफ जो रुझान दिए गए हैं कि वही ये जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, CNN ने कॉल किया है और ये आंकड़ा सही माना जा रहा है। पर अगर कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन ये तीनों रिटेन कर लेती है क्योंकि ये ब्लू स्टेट्स हैं तो वो निश्चित तौर पर ये चुनाव जीत जाएंगी। हालांकि अभी अगर देखें तो इन तीनों राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, पर लीड की जो मार्जिन है वो बहुत नैरो है। कहीं पे वो 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं, कहीं 1.25 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, तो ये इतना बड़ा नहीं है। और अभी भी 40% से ज्यादा इन एरियाज में मेरे ख्याल से काउंटिंग होनी बाकी है। पेंसिल्वेनिया की करीब 70% काउंटिंग हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे लीड है करीब 1.5 लाख वोट। पर फिर भी मैं ये कहूंगा मुकाबला अभी भी बहुत नजदीकी है। अगर वो तीनों ब्लू स्टेट रिटेन कर गई कमला हैरिस तो वो चुनाव अभी भी जीत सकती है। ठीक है, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कह दी अविनाश जी कि वो अभी भी चुनाव जीत सकती है, और ऐसे में स्विंग स्टेट पर नजर बरकरार हर किसी की है क्योंकि वो तो कोई ट्रेंड तो मानता नहीं है, पल पल वहां पर बदलती है स्थिति, तो फिलहाल उसे लेकर क्या एक्साइटमेंट बनी हुई है जरा वो भी बता दीजिए। हमने सुबह से यही देखा कि एक जगह जहां डोनाल्ड ट्रंप 180 और 90 के गैप से आगे चल रहे थे, अब वो बिल्कुल घटके 20 सीटों पे आ गया है। और एक बात और बता दूं,
इनसे ज्यादा कैंपेन टीम्स देख रही है। आज रात को 8 बजे एक रैली प्रस्तावित थी कमला हैरिस की, जो अभी भी तैयारियां पूरी चल रही है। मेरे कुछ मित्र हैं जो उस पे अभी मौजूद है, तो वो भी वेट कर रहे हैं। वो अपने कॉलेज जहां वो पढ़ती थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पे उन्होंने एक इलेक्शन नाइट पार्टी जिसे कहते हैं वो कॉल करी है, और वहां पे भी अब जमावड़ा वापस भरने लगा है क्योंकि वो रेस में वापस दिख रही है। और दूसरी तरफ फ्लोरिडा में, जहां से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और जहां वो अपना वोट कास्ट करते हैं, तो उन्होंने अपना जो एरिया है मार-ए-लागो वहां पे अपनी रैली आयोजित करी है। दोनों नेता अभी तक आए नहीं है। कमला हैरिस को 8 बजे आना था, यहाँ करीब करीब 12:30 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक हैरिस वहां नहीं पहुंची हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं आए। तो अविनाश जी, तो सब इंतजार की मुद्रा में बैठे हैं कि एक दो रुझान कुछ और आए और फिर वो अपना आके वक्तव्य दे। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या वजह हो सकती है, वो आपने साफ कह दिया कि एक दो रुझान आ जाए, उसके बाद जब वस्तुस्थिति क्लियर हो जाएगी तब वो आकर अपनी स्पीच देंगे। और मुझे लगता है अभी स्थिति क्लियर होने में पूनम जी समय लगेगा। और इसकी पुष्टि बराक ओबामा ने भी ट्वीट करके करी कि देखिए इलेक्शन क्लोजली कंटेस्ट होगा, बहुत वोट गिने जाने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पुराना ट्रेंड था कि रात यहाँ पे 2-2:30 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाती थी, वैसा अभी तक तो नहीं लग रहा। ठीक है अविनाश जी, क्योंकि कैलिफोर्निया बेहद अहम माना जाता है और कमला हैरिस वहां से जीत गई है, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे भारत में उत्तर प्रदेश मायने रखता है, तो वैसे वहां पर कैलिफोर्निया मायने रखता है, तो फिर इसको किस नजर से देखें? कैलिफोर्निया उतना मायने जरूर, जैसे उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ आपने जो एनालॉजी बिठाई वो बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश 80 सीटें देता है और यहाँ पे वो 54 वोट देता है, बिल्कुल। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल ब्लू स्टेट है, इसीलिए आप देखिए कि हैरिस के जो नंबरों में उछाल आया, क्योंकि वो वहां से जीतती है। अगर मैं 1982 का चुनाव हटा दूं, जहां रोनाल्ड रेगन जो रिपब्लिकन थे उन्होंने जीता, कैलिफोर्निया ने हमेशा ब्लू वोट किया है। तो और उसी तरह से टेक्सस है कि वो 40 सीटें देता है तो वो ट्रंप के खाते में जाती है। तो इन दो में इतना बड़ा उलटफेर नहीं है। उलटफेर का फैसला अब आना शुरू होगा जब ये 6 जो बचे हुए राज्य हैं ये किस तरफ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में से एक तो जीतना ही पड़ेगा। अगर वो ब्लू वॉल नहीं तोड़ते तो उनके लिए व्हाइट हाउस में जाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, और आपने सही कहा, और ऐसे में 210 के आंकड़े तक पहुंच गई, अभी मैं करंट अपडेट देख रही थी अविनाश जी, आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी, तो ये बहुत 230 और 210। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा ये बताइए कि अगर, चलिए मान लीजिए अगर कमला हैरिस जीत जाती है, व्हाइट हाउस की चाबी उनके हाथ में आ जाती है, तो भारत को क्या फायदा होगा, और अगर ट्रंप जीत जाते हैं तब फिर भारत को क्या फायदा होगा, जरा इसे भी विश्लेषण करके बता दीजिए। देखिए चाहे ये बहुत बड़ा स्पेकुलेटिव सा सवाल है, और मेरा ये मानना है इसमें कि राष्ट्रपति कोई भी चुन के आए, भारत के प्रति यूएस का नजरिया हमेशा मैत्रीपूर्ण और सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो भारत है। भारत का जो एक्सपेंडेड हमारा जो बेस है, जो हमारी जनसंख्या है, वो हमारी इस मामले में स्ट्रेंथ होती है। तो यूएस का जो बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं उनका कंज्यूमर भी भारत बहुत बड़ा है, और उसी के साथ साथ जो इनकी इंडस्ट्री चलती है, जो आईटी इंडस्ट्री चलती है, उसकी बैकबोन भी भारत है। तो भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी अब बन रहा है और इतना बड़ा मार्केटप्लेस है कि इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया को कोई दूसरा देश हो। तो भारत के लिए दोनों का रवैया मैत्रीपूर्ण और पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन स्विंग स्टेट्स बेहद महत्वपूर्ण है जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और 6 में ट्रंप आगे चल रहे हैं। निवादा की बात करें तो अभी शायद उसमें मतगणना शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, अभी तो आगे चल रहे हैं, बढ़त बना रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े बाद में सामने आ सकते हैं, क्या ऐसा संभव है अविनाश जी? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए एक बात जो यहाँ देखनी चाहिए, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स बड़े हैं और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो बाइफर्गेशन है, अभी मैंने जैसे कहा कि पेंसिल्वेनिया का ही उदाहरण लेते हैं, जो सबसे बड़ी स्टेट है, 19 यहां से वोट्स आते हैं। पिछली बार जब जो बाइडेन यहां जीते तो करीब करीब 90% काउंटिंग हो गई थी जी। उसके बाद पोस्टल बैलेट खुलने शुरू करे और तब तक 90% काउंटिंग में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे पिछले चुनाव में। आखिरी जो 10% आई उसमें पूरा आंकड़ा बदल गया। तो अभी तो पेंसिल्वेनिया की सिर्फ 70% के करीबी वोटिंग हुई है, तो एक क्रिटिकल बड़ा वोट अभी बाकी है।
और ये जो इनकी लीड्स है ये कोई बहुत ह्यूमंगस लीड नहीं है, डिसाइसिव नहीं है कि 4 या 5 परसेंटेज पॉइंट से जा रहे हो वो आगे, कहीं 1%, कहीं 1.5%, कहीं 0.5% तक भी है। तो इसलिए ये आंकड़ा बदलता रहेगा और इसीलिए ये पूरा मुकाबला इतना रोचक है, क्योंकि 25 राज्य तो ऐसे हैं 50 में से जो रिपब्लिकन होने ही होने हैं। बिल्कुल, इसलिए उनका आंकड़ा मैं आपको कह रहा हूं 233 होगा ही होगा, और इसी तरह 18 राज्य ऐसे हैं जो ब्लू होने ही होने हैं, तो उनका आंकड़ा 232 है। इसीलिए ये 7 स्टेट और 93 वोट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने इसको सही समझाया है, लेकिन अभी भी जनता जो लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रही है करंट अपडेट के लिए और अविनाश जी को सुनने के लिए, सही विश्लेषण के लिए, वो ये जानना चाहती है कि हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्टोरल वोट्स, स्विंग स्टेट्स, पॉपुलर्स वोटिंग, दरअसल ये है क्या? क्योंकि हमारे चुनाव बहुत अलग होते हैं अविनाश जी, और यहाँ के चुनाव बेहद अलग है, तो जरा एक बार फिर से सही से समझा दीजिए कि जनता जो वोट करती है वो पॉपुलर वोटिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉल वोट जो है वो कितना इफेक्ट डालते हैं, और स्विंग स्टेट्स आखिर ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है, जरा इसका भी पोस्टमार्टम कर दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ कि यहाँ पे जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ है, जिसमें इस बार अनुमान लगा है कि करीब करीब 16 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। अब जैसे आपने उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश से कंपेयर किया था आपने कैलिफोर्निया को, तो कैलिफोर्निया यहाँ का सबसे बड़ा राज्यों में से एक है, जनसंख्या उसकी ज्यादा है, तो यहाँ एक सिस्टम होता है कि हर राज्य को उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे इलेक्टोरल वोट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो कैलिफोर्निया के है 54। तो जब वोटिंग होगी और मान लीजिए कमला हैरिस ने 1 लाख में से 50,000 वोट कमला हैरिस को मिले जी। और 46,000 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले, तो वो 54 के 54 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो हैं वो कमला हैरिस के खाते में चले जाएंगे, यानी वो पूरा राज्य कमला हैरिस की तरफ चला जाएगा। और इसी तरह टेक्सस जो है उसके 40 वोट है, वहां अगर यही समीकरण के आंकड़े बदल जाते हैं कि ट्रंप को 50,000 और हैरिस को 46, तो वो 40 वोट उस खाते में चले जाते हैं। तो यहाँ पे करीब 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, जिसमें से जो 270 ले आएगा वो मैजिक आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है, तो राज्यों के हिसाब से बांटे हुए हैं, 50 राज्य हैं और एक राजधानी है जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और उसके बाद मैंने वो आपको एक उदाहरण दिया कि 25 राज्य रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर उनके पिछले 6 या 8 चुनाव उठा के देख लें तो उन्होंने एक ही पार्टी की तरफ अपना वोट दिया है, तो वो उनका गढ़ होता है। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ अगर लोकल चुनावों में देखें तो गुजरात एक ऐसी राज्य है जहां कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है। तो उसी तरह ये 25 और 18 राज्य बाइफरगेट है कि इन्होंने अपने अपने पार्टियां तय कर रखी है, और इसीलिए हर चुनाव में कभी 7, कभी 8, कभी 10 स्विंग स्टेट्स होती है जहां का वोटर अनडिसाइसिव होता है। तो हम पेंसिल्वेनिया को स्विंग स्टेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले इलेक्शन में यहां बाइडेन आए थे, उससे पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रिवाज चलता आ रहा था ब्लू स्टेट का वो तोड़ा था। इसी तरह मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी 2016 में उन्होंने ये रिवाज तोड़ा और उन ब्लू स्टेट्स को रेड में कन्वर्ट किया, फिर वो वापस ब्लू हुई। तो इस चुनाव में कह रहे हैं कि ये स्विंग है कि कभी रेड और कभी ब्लू जाती है, ये होता है स्विंग स्टेट। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझा दिया, हमारे दर्शक समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क तो है ही, क्योंकि मैजिक आंकड़ा पहुंचना जरूरी है, और वो वहां तक कौन पहुंचेगा, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार या रिपब्लिकन उम्मीदवार, चाबी किसके हाथ में होगी, व्हाइट हाउस का मालिक कौन होगा, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। अविनाश जी आगे भी आपका रुख करेंगे करंट अपडेट के लिए और विश्लेषण के लिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए। और फर्स्ट इंडिया न्यूज भी राजस्थान की, देश की खबरों के साथ साथ ये महत्वपूर्ण चुनाव भी कवर कर रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप बने रहिए, क्योंकि महाकवरेज इसे लेकर भी लगातार जारी है।